ये देखें बकरा जो है यहाँ पर मस्तियां कर रहा है, फुल जो है शातिर बकरा, यहाँ पर गेट भी खड़ा कर दिया इन्होंने। कम से कम 25 साल हो गए लगते हुए और यहाँ पे दूध वाला बकरा भी निकल चुका है इस मंडी पे, हाँ, जिसकी वजह से पॉपुलर हुई थी। मार्केट में 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे माशाल्लाह से ये हम 1180 रुपए किलो बेच रहे हैं। पिछले साल हमने दिया 1150 रुपए में, सिर्फ 30 रुपए बढ़ाए, यानी कि 700-800 रुपए बढ़े पूरे साल में, इतनी महंगाई क्या है। माशाल्लाह साइज चेक कर आप बकरे चेक करें। एक मन तो माशाल्लाह गोश्त है इसके अंदर, वाइट वाइट चेक कर रहे हैं, हैवी हुआ है यार माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। भाई आजकल आपको पता है कि भाई बकरा और गाय वगैरह लोग खरीदारी कर रहे हैं और किसी किसी को जो है समझ नहीं आ रही कि यार महंगा ले रहे हैं सस्ता ले रहे हैं। लोग कुछ जो है वो किलो के हिसाब से भी लेना पसंद करते हैं, तो हमने सोचा भाई किलो के हिसाब से आपको बताया जाए कौन कौन सी जगहों पे किलो के हिसाब से यहाँ पर जो है मिल रहा होता है, कौन कौन सी प्लेसेस से मिल रहा है, तो सारे स्पॉट दिखाएंगे जो जो मुझे पता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और चैनल पे नए तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन दबा दें ताकि सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी लाई जा सके। तो फिर आइए शाबान के साथ। भाई ये ले ली इन्होंने भाई ने किलो के हिसाब से, ठीक है। भाई अभी हम जिस जगह मौजूद हैं ये जो है रिजिया कहलाता है, ओल्ड रिजिया, और ओल्ड रिजिया पे जो है आपको यहाँ पर दिखेगा, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, देख सकते हैं ये बहुत बड़ा ग्राउंड है और सारे जानवर यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ पर प्राइस वगैरह के हवाले से पता चले 20,000 रुपए जो है यहाँ पर फी गाय का हिस्सा आपको मिल रहा है, और बकरा जो है यहाँ पर जो है मस्तियाँ कर रहा ये देखें बकरा जो है यहाँ पर मस्तियाँ कर रहा है, फुल जो है शातिर बकरा, यहाँ पर गेट भी खड़ा कर दिया इन्होंने। वालेकुम सलाम भाई, खैरियत से ठीक ठाक है आप? भाई माशाल्लाह बहुत बड़ा स्टॉल लगाया हुआ है, और इस हवाले से थोड़ा सा पता है बकरे के रेट इस दफा क्या चल रहे हैं, और रिश्तेदार अगर किसी को बनना हो तो इस हवाले से थोड़ा सा गाइड करें। जी 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 बिल्कुल, माशाल्लाह ये हमारी रिजविया सोसाइटी की बहुत पुरानी मंडी है और रिजविया कम्युनिटी की मंडी है, ये यहाँ से सब ये बकरे और गाय लेने आते हैं। और इस दफा जो रेट खुला है वो नर बकरा है वो 1050 और गैर नर बकरा 1150 है केजी के हिसाब से, और बाकी जो है इसमें छोटे बड़े जो जानवर हैं वो सब मुख्तलिफ रेट पे हैं, 40 की रेंज से लेके 3.5 लाख रुपए की रेंज तक के जानवर यहाँ मौजूद हैं, जो आपको हर सब ठीकों पे नजर आ जाएंगे। और बकरे जो हैं नस्ली वो 40 के भी हैं, 50 के भी हैं और 60 के भी हैं। तो इससे मुझे ये पता है अगर कोई बंदा चाह रहा है कि यार मैं यहीं पर आपके पास रखवा दूँ, खरीद के यही रखवा दूँ, तो पॉसिबल है, और कुर्बानी का भी कोई सिलसिला आपकी सर्विस वगैरह दे सकते? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे खरीद के आप यहीं छुड़वा देते हैं तो आप चारे के पैसे देना पड़ेंगे, ठीक है ना, वो 300 रुपए पर डे सही है, और रखवाने के 200 रुपए छोटे के, और बड़े जानवर के जो है 500। इसमें जो है इज्तिमाई कुर्बानी का भी है इसमें, जो हम हर साल की तरह करते हैं। इस दफा जो 20,000 का हिस्सा है उसमें तकरीबन 15 kg गोश है और कलेजी वगैरह अलग है, साफ सुथरा मयारी गोश होता है और 2 दांत गाय का होता है ये नहीं। हाँ जी, बकरे की कुर्बानी के लिए कसाई वगैरह बिल्कुल अवेलेबल है, ये बिल्कुल अवेलेबल है, यानी कि कटाई की जो चल रही है वो चार्जेस वैसे तो 8,000-7,000 रुपए है रेट, हमारे पास मुनासिब जो है वो 5,000-4,000-3,000 जी, मतलब अलग अलग प्राइस, यानी कि बड़े जो सबसे बड़ा बकरा है उसके 5,000 ले रहे हैं, और जो दरमियाना है 4,000 और सबसे छोटा है उसके 3,000, जिससे आवाम को भी ज्यादा वो मुश्किल ना हो, कटिंग सुबह सुबह हो जाएगी जिस तरह वो आप कस्टमर बोलेगा फजर की नमाज के बाद या ईद की नमाज के बाद, तो वो उसमें अवेलेबल है जी। थोड़ा सा वापसी एड्रेस भी बता दें, ये रिजविया सोसाइटी, ओल्ड रिजविया सोसाइटी मंडी है ये। टाइमिंग वगैरह? टाइमिंग इसकी ये है कि सुबह 11 बजे से रात 3 बजे तक है, रात 3 बजे जी। शुक्रिया, थैंक यू सर। अस्सलामुअलैकुम भाई, मेरा नाम हसन अब्बास है, ये मंडी कम से कम 25 साल हो गए लगते हुए और यहाँ पे दूध वाला बकरा भी निकल चुका है इस मंडी पे, हाँ, जिसकी वजह से पॉपुलर हुई थी, मीडिया भी आई थी, जियो वगैरह वाले आए थे
आवाम अखबार में भी आया था सर। ये मंडी बहुत मशहूर है और जानवर भी मुनासिब रेट पे मिलते हैं सर, बकरे वजन के हिसाब से मिलते हैं, गाय वाय सब भरी है, आप देख सकते हैं सारा। भाई ये देखें, ये बकरा देखा, बड़ा खूबसूरत बकरा है, ये बड़ा बकरा है, ठीक है सर। हम बहुत से बकरे हैं और अगर जो है गायियाँ वगैरह चाहिए, बैल वगैरह चाहिए तो सारे बैल वगैरह खड़ी हैं, अलग अलग जो है वो वेट के हिसाब से आपको सारा मिलेगा यहाँ पर। जैसा आप वेट सेलेक्ट करेंगे वैसा जो आप खरीद सकते हैं यहाँ पर। और मंडी देख सकते हैं, बहुत बड़ी मंडी है ये, ठीक है। और बकरों के हवाले से भी एक और चीज़ आपको बता दे चलें, बकरों में भी आप देख सकते हैं, अगर जो है आपको छोटे बकरे चाहिए, दरमियाने बकरे, वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे, सही है। ये देख सकते हैं, ये सारे वजन के होते हैं। और इसकी प्राइस भी आपको जो है बता दे चलें, प्राइस जो है आपको जैसे कि बताया था प्राइस के हवाले से, तो ये प्राइस भी जो है यहाँ मेंशनड है। ये देख सकते हैं, नर बकरा जो है फी किलो 1050 का मिल जाएगा, और खसी बकरा जो है फी किलो 1150 रुपए का आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप कुर्बानी कराना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आकर आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से जानवर और कुर्बानी करें। फिर चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारी लोकेशन पर। भाई दूसरी प्लेस पर आ चुके हैं हम, दूसरी प्लेस पे जो है यहाँ पे भी जो है किलो के हिसाब से बकरे वगैरह मिलते हैं, और गाय वगैरह भी देखें तो गाय भी मिलती है। और ये किस प्लेस पर मौजूद है अभी हम जो है, ये यहाँ पर मौजूद है नजदीक पीआईबी एकेडमी, और ये इमाम बरगा पड़ता है सरीकतुल हुसैन, मेरे पीछे देख सकते हैं इमाम बरगा है। और पुल जो जा रहा है, पुल के नीचे जो है यहाँ पर इन्होंने सेटअप लगाया हुआ है, ठीक है। तो आपको बता, ये अल हुज्जत वेलफेयर फाउंडेशन करवाता है ये, ठीक है। और इज्तिमाई कुर्बानी अगर आप करवाना चाह रहे हैं तो 19,000 रुपये आपको पड़ेगी यहाँ पर गाय, और जिंदा नर बकरा अगर लेंगे तो 1050 का पड़ेगा, और अगर जो है आप खसी बकरा लेंगे तो 1100 रुपये का आपको पड़ेगा, और जिंदा गाय लेंगे तो 550 रुपये किलो पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये आपको अगर ब्रांच, पहली ब्रांच है ये, ठीक है, ये कसरे अबू तालिब है करीमाबाद नज़दीक पीएसओ पंप, ठीक है, ये पीएसओ पंप के बिल्कुल बैक साइड पर। और दूसरी ब्रांच जो है वो मैंने पहले जो आपको एड्रेस बताया वो दूसरी ब्रांच का बता दिया था, वो दूसरी ब्रांच जो है नज़दीक पीआईबी एकेडमी इमाम बरगा शरीकतुल हुसैन ब्लॉक 16 गुलशन जौहर। और जो मेरे पीछे ये जैसे इमाम बरगा देख सकते हैं, ये इमाम बरगा शरीकतुल हुसैन है, ठीक है, नाम इससे इमाम बरगा का है, ठीक है। इसी के सामने आपको दिखेगा पुल जो ये चढ़ रहा है, पुल आ रहा है, ये सारा पुल है, ठीक है, करीमाबाद का पुल है, इसी के नीचे लगाया हुआ है इन्होंने सेटअप। और डिटेल के लिए यहाँ पर काउंटर दिया गया है, और बकरे वगैरह गाय वगैरह भी यहाँ पर इनके पास जो है भरपूर स्टॉक में मौजूद है, तो आप आकर ले सकते हैं यहाँ पर। रेट आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि भाई आप अगर चाहें तो किलो के हिसाब से भी ले सकते हैं। बड़े बकरे भी मौजूद हैं यहाँ पर, देख सकते हैं, बड़े बकरे भी अलग लॉट लगाए रखी हुई इन्होंने बड़े बकरों की, वो सारे बड़े बकरे हैं, ये छोटे बकरे हैं, ठीक है, नॉर्मल दरमियाने बकरे हैं, छोटे बकरों से मुराद दरमियाने बकरे हैं। बाकी माल के हिसाब से बात करें तो माल इनके पास देख सकते हैं, ये ठीक ठाक माल है, बकरों का सेक्शन है, इसके बाद जो है आप देख सकते हैं वहाँ पर गाय का सेक्शन आ जाता है, ठीक है, वो गाय का सारा सेक्शन आ गया यहाँ पर, ये सारा गाय का सेक्शन है, ये सारा गाय का सेक्शन है, देख लें। बैल वगैरह आपको मिल जाएंगी यहाँ पर डिफरेंट साइजेस के हवाले से, छोटा साइज, दरमियाना साइज, दो दांत, चार दांत, ये सारा आपको मिल जाएगा। ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा दो दांत वाले जानवर ये देख सकते हैं, और खूबसूरत माल भरा पड़ा हुआ है, चांद बैल ये मौजूद है भाई, क्या बात हो गई, ये देखें, चांद बैल भी है यहाँ पर ये, ठीक है। तो इस तरह ये माल आता रहता है, माल जाता रहता है, तो आप यहाँ पर आके परचेज कर सकते हैं। अब चलते हैं तीसरी तरफ और तीसरी प्लेस आपको बताते हैं। भाई आप पहुंच चुके हैं हम तीसरी मंजिल पे, और तीसरी मंजिल पे जो है आपको बताते हैं यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर कुर्बानी के हवाले से जो है कुर्बानी के जानवर मौजूद है,
किस प्राइस में मौजूद है, कब से लग रही है, क्या सिलसिला है, लोकेशन ही बताते चले आपको। यहाँ पर आयशा मंजिल का पुल है ये, ठीक है, ये आयशा मंजिल का पूरा पुल जा रहा है। पुल के नीचे जैसे ही जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है पुल के नीचे जो है इमामबाड़ा आपको दिखेगा, उसी के बराबर में ग्राउंड है और ग्राउंड में जो है यहाँ पर ये सिलसिला मौजूद है। तो अंदर चलते हैं, फिर आपको डिटेल बताते हैं। आप देख सकते हैं भाई, इज्तिमाई कुर्बानी कैंप यहाँ पे जिंदा बकरा वजन के हिसाब से मिलेगा। गाय फीस जो है 19,500 रुपए दिया गया है और जिंदा बकरा फी किलो जो है 1,080 चल रहा है और गैर दूसरा बकरा जो है वो 1,180 चल रहा है, ठीक है। और बहुत बड़ी जो है यहाँ पर लोकेशन आप देख सकते हैं, बड़े जो है यहाँ पर। और गाय के हवाले से बात करें तो 650 रुपए यहाँ पर गाय का फी हिस्सा चल रहा है, ठीक है। और कुर्बानी के जानवर आपको बताते चलें, बड़े जो है बड़े ज़बरदस्त किस्म के जानवर यहाँ मौजूद हैं और देख सकते हैं गाय वगैरह भी। और बकरों के हवाले से भी थोड़ा सा आपको बकरे के हवाले से बताते चलें, बड़े जो है बेहतरीन बकरे यहाँ पर, जानदार बकरे मौजूद हैं। बड़े में साइज़ में लेंगे, बड़े साइज़ भी आपको यहाँ मिल जाएंगे बकरे, छोटे साइज़ में भी लेंगे यहाँ पर, छोटे साइज़ में भी आपको यहाँ पर बकरे मिलेंगे कुर्बानी के हवाले से, क्योंकि कुर्बानी कैंप है ये, तो उस हवाले से इन्होंने पूरी तैयारी करी। और अलग अलग सेक्शन रखे हुए यहाँ पर, इस हिसाब से दरमियाना सेक्शन वेट के हिसाब से जो है अलग अलग सेक्शन रखे हुए, ताकि सिलेक्शन के लिए जो है ईजिली आप सेलेक्ट करके यहाँ पर परचेज कर सकें, ठीक है। और देख सकते हैं ये यहाँ पे भी जो है अलग अलग, ये बड़े साइज के आपको देख सकते हैं, ये मेरे ख्याल से 50-60 किलो तक के बकरे होंगे ये, और हैवी बकरे, सारे हैवी बकरे हैं ये, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। मतलब देख सकते हैं जिस हिसाब से इन्होंने सेटिंग करी हुई है, तो इजी हो जाता है निकालने वाले को भी और सिलेक्शन करने वाले को भी, ताकि कोई इशू नहीं रहता। बाकी यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे साथ जो है वो दानिश भाई मौजूद होंगे, तो दानिश भाई से फर्दर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई, कैसे हैं? क्या हाल है? ठीक है भाई, माशाल्लाह इतने बड़ा जो है कुर्बानी का देवड़ सजा दिया आपने, तो इस हवाले से बताएं कब से कर रहे हैं और क्या सिलसिला है? माशाल्लाह से ये 22 साल हो गए माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, क्या बात है। तो थोड़ी डिटेल वगैरह ही बताते हमारे व्यूअर्स को कि भाई टाइमिंग क्या है, किस तरीके से आके परचेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ तो वेरी सिंपल है और सबसे आसान सिस्टम बनाया हम लोगों ने। ये केज में आप बकरे देख रहे हैं, दिखाएं लोगों को, दिखाएं, ये देख रहे हैं, ये केज के अंदर ये नर बकरे हैं सारे, ठीक है। अब इसके अंदर जिसको भी चाहिए 1,080 रुपए पर किलो है, ठीक है, किलो है। यहाँ से सिलेक्ट कर ले जानवर, स्केल दिखाया आपने, आया स्केल दिखाओ, स्केल भी देख लेते हैं भाई यहाँ पर, ये स्केल लगा हुआ, ठीक है। यहाँ पे स्केल करते हैं, पर्ची लेते हैं, यहाँ पे वहाँ पे कंप्यूटराइज रसीद मिलती है उधर काउंटर पे, ठीक है। इसके अंदर आपके पास सारा डाटा होता है हर चीज का। इसमें एक सहूलत ये भी होती है कि आप जानवर के साथ कोई और कोई काम नहीं करते, एक्सीडेंट भी नहीं करते, एक्सचेंज भी कर सकते। अच्छा, बच्चों को पसंद नहीं आ रहा, चलो भाई चल नहीं रहा, कुछ नहीं है ना, एक होता है ना चल नहीं रहा, तो ये भी सहूलत। अब ये खस्सी बकरे सारे और प्योर ए क्लास है, ए क्वालिटी है, वही देख रहा था माशाल्लाह फुल हैवी बकरे। अब इसके कोई आप कहीं भी जाएंगे मार्केट में, कोई 2.5 लाख रुपए 6 लाख रुपए बकरा, ये मतलब हाइट दिखाऊं मैं आपको बेटा, बकरे निकालना 2-3 बड़े बड़े बकरे निकालो जो मार्केट में 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए कर रहे हैं ना, अब यहाँ पे माशाल्लाह से ये हम 1180 रुपए किलो बेच रहे हैं। ओ, ओ, क्या बात। पिछले साल हमने दिया 1150 रुपए में, सिर्फ 30 रुपए बढ़ा है, यानी कि 700-800 रुपए बढ़े पूरे साल में, इतनी महंगाई गया। माशाल्लाह साइज चेक कर आप बकरे चेक करें, यकीन करें सही कह रहे हैं बिल्कुल दानिश भाई। वो वाला बकरा लाओ जो है ना उसको, वो लाओ अगर वीआईपी टेंट का ये बकरा लाओ, ये बकरे तो 3-4 लाख तो कहीं नहीं जाता। हाँ ये लाओ, इसके साथ वाला वो भी लाना है, ये आप लेकर आओ बाहर छोड़ दो। यार बकरे की हाइट देखें आप, बस आप माशाल्लाह से ये तो, और इसकी मेन बात ये है हर चीज इसकी ना वैक्सीन होगी। अच्छा वैक्सीन, एक भी बकरा आपको सुस्त नजर नहीं आएगा, सारे एक्टिव बकरे हैं, इसमें कोई एक बकरा ऐसा नहीं है कि नजला हो रहा है, एक सर्वे का आगे बने में खड़ा है, सारी वैक्सीन हुई है। क्या बात हो गई यार। और यही बकरा यकीन कर रहा है, पिछले हफ्ते में मंडी गया हुआ था, वीआईपी टेंट में खड़े हुए थे ऐसे बकरे, और उसकी प्राइस जो बता रहे थे वो 4,11,000 रुपए किलो है, समझिए। अब आप उससे अंदाजा लगा लें बकरी की क्वालिटी चेक। क्या बात हो गई, समझिए।
फुल हैवी है। ये इन्होंने पसंद करा है, ये अपना ये लेके जा रहे हैं, लेबर दी हुई हमने वो सारी सहूलत। अब ये बकरा तुलना है, इसका वेट चेक करें आप, ये 35 किलो का बकरा है। अच्छा बकरे की ना खूबसूरती देखें आप, पहले छोड़े अगर छोटा भी है खूबसूरत बकरा। इधर बेटा बकरा इधर आगे की तरफ लाना जरा। अच्छा ये देखिए इधर आइए, देखे ये अंकल ने जो पकड़ा हुआ इसको देखे, क्या बात हो गई यार। अब ये स्केल पे जा रहा है, फैमिली के साथ लोग आ रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, किसी किस्म के इसके अंदर कोई कीड़े नहीं है, कुछ नहीं है, शाम देखें शामी जैसी लग रही है, हर चीज का ख्याल किया गया। ये बकरा देखें माशाल्लाह से आप, एक मन तो माशाल्लाह गोश है इसके अंदर, वाइट वाइट चेक कर रहे हैं, हैवी हुआ है यार माशाल्लाह। और ये बच्चे देख रहे हैं आप लोग, आए हैं बच्चे, आए इधर आए और देखो अभी देखें लेडीज आराम से खरीदनी है, ठीक है ये मॉल दिया है इसलिए कोई इनको किसी चीज का एक बाउंड्री के अंदर आ गए खौफ नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। हमने खत्म किया इसको और ये पिछले 23 साल से हम लोग जो है ना ये काम इसको आहिस्ता आहिस्ता करते हुए आज माशाल्लाह से यहाँ पहुंचे, लोगों का ट्रस्ट भी डेवलप हो गया कि नहीं यार यहाँ कुछ अलग ही है। अब मैं आपको दिखाऊँ बछड़े देखे हसिया, ये मार्केट में 4 लाख रुपए 4.5 लाख रुपए समझिए, आप खूबसूरती चेक करें समझिए, प्योर साय वाले बेटा ये खोलना जरा, ये लाना जरा अपनी पसंद का ले जाए और खूबसूरती बचिया देखे, कोई ये नहीं है ये जंगल का है मार रहा है कुछ कर रहा है, जानवर देखे कितना, रोको भाई रोको आ जाओ, प्योर साहिवाल मछली है माशाल्लाह। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं लोगों को अच्छे से अच्छा जानवर मिल जाए, सारी क्वालिटीज आ जाए और आराम से बिना बेखौफ हो गए ना परचेज करें लोग, ठीक है। अब ये बकरा देखें इधर, ये बकरे की क्वालिटी चेक करें, सीना वीना ये वो सब चीजें खूबसूरती देखें, तो इसलिए ये कोशिश की है सिर्फ 30 रुपए बढ़ाया यार, 30 रुपए बढ़ा दिया, 30 रुपए महंगाई में 30 रुपए में ये समझ लें 1000 रुपए बढ़ गए होंगे पूरे साल, इसलिए वह 1150 में बेचे अभी 1180 में बेचे, लेकिन क्वालिटी बता दें थोड़ा सा क्या चीज इस्तेमाल, वो 19500 में, 19500 में ऐसा हो जाएगा, रेफर कंटेनर होता है हमारा, रेफर कंटेनर होता है, वो जो गोश है रेफर में रखा हुआ होता है, क्योंकि लोग कोई लेट हो जाए कुछ होगा तो बहुत सेफ रहे, अच्छा ये कि किसी तरह भी कोई भी है ना किसी का नुकसान भी नुकसान, बाकी आप बताएं लोगों को आपकी थोड़ा सा लोकेशन भी गाइड कर दें, यहाँ पर मेन आयशा मंदिर के ऊपर ब्रिज के साथ ही ये सेवर लगे हैं, बाहर ये हमारा कुर्बानी कैंप का ये बोर्ड लगे हैं, इधर पहुँच के रब्ता कर लें हमसे, ठीक है, थैंक यू दानिश।